तो फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि के बेस्ट 600 प्लस क्वेश्चन की ये क्वेश्चन होंगे करीब 640 के आसपास और इसके पीडीफल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और जो ये वीडियो है ना ये स्पेशल किसके लिए है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल और हरियाणा पुलिस एस मेल एंड फीमेल अगर आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए क्योंकि कृषि और पशुपालन से चार नंबर आते हैं आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है पूरी इसके अलावा आपको कृषि का कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कृषि से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए हैं अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जो भी आपका दोस्त मित्र हरियाणा पुलिस के एग्जाम की, की तैयारी कर रहा है तो फिर देर किस बात की कर दो जल्दी जल्दी शेयर तो आपने शेयर कर दिया ठीक है फिर और इसकी पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल भी है डिस्क्रिप्शन में जो आपके आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हिंदी से तो ना पिछली बार दस के दस क्वेश्चन आए हुए थे जो हमारी हिंदी है उससे दस के दस क्वेश्चन आए हुए थे उसकी पी डी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है जस्ते की कमी से अमरपाली किन दो आम की प्रजातियों का संकरण है ये है दसहरी दस और नीलम एलोवेन मोजेक बीमारी है भिंडी की पित्ताबरी प्रजाति है सरसों की पपीते का पीला रंग किस कारण होता है कैरिका जैथिन के कारण केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में किस देश में सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए तो ये किए गए मेक्सिको में 2007-8 से आरंभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सम्मिलित खाद्यान्न है तो ये कौन कौन से हैं चावल गेहूं और दाल असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ तो ये कब हुआ था ये हुआ था 2008 में करनाल भट्ट बीमारी है गेहूं की कंचन किस्म है आंवला की राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है गाजियाबाद में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है ये है नई दिल्ली में जैव उवरक होते हैं साइनोबैक्टीरिया आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना टू किसान बही योजना प्रारंभ हुई उन्नीस में निभा मूलक कृषि के अंतर्गत शामिल है चावल और मोटा अनाज भारत में सर्वाधिक लोंग की खेती होती है केरल में विश्व में सर्वाधिक सघन खेती की जाती है इंडोनेशिया में 200 सेंटीमीटर वर्षा तथा ढलान पहाड़ी क्षेत्र किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं तो ये किसके लिए है चाय भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल फसलें कौन सी हैं गन्ना गेहूं जौ भारत में सिंचाई के साधन क्या है नलकूप है नहरें हैं और कुएं राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है गाजियाबाद में सर्वाधिक बड़े और छोटे जोत भारत के किन राज्यों में है ये है राजस्थान और केरल में भूमि सुधार अधिनियम 2008 के तहत किसी कंपनी को उद्योग लगाने के लिए अधिकतम भूमि सौंपी जा सकती है तो ये सौंपी जा सकती है पंद्रह एकड़ भारत में किन स्थानों पर सर्वाधिक तथा सबसे कम वर्षा होती है तो ये होती माउसीन राव और ले में टू ए हंगर फ्री वर्ड किसकी रचना है एम एस स्वामीनाथन की हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे हुआ गेहूं की पे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है अल्मोड़ा में जो कि है उत्तराखंड में वर्ष में दो बार फल देने वाली आम की प्रजाति नीलम आलू के भंडार के समय होने वाले ब्लैक हट रोग का कारण है ऑक्सीजन की कमी मटर में होने वाले मार्स रोग का कारण है मैग्नीज़ की कमी संकर बीज की खोज की सलने राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई उन्नीस में राष्ट्रीय कृषि विपण संस्थान है जयपुर में खाद्य मिलावट निरोध कानून पारित हुआ उन्नीस में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है जबलपुर में अंतर जातीय संचार के लिए कीटो द्वारा प्रयुक्त हार्मोन है फिरमोन्स राष्ट्रीय कीट समेकित प्रबंधन अनुसंधान केंद्र स्थित है नई दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ 2006 में रसोई उद्यान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आम की प्रजाति है आमरपाली शीत ग्रह में फल और सब्जियां रखने का उपयुक्त तापमान है 3.9 डिग्री से 7.2 डिग्री तक बीज में जनन क्षमता जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है ब्रोमाइन परीक्षण चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है पच्चीस डिग्री से अधिक तापमान अ सिंचित क्षेत्र के लिए गेहूं की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है मकोरानी खाद्य पदार्थों के पॉस्चुराइजेशन के लिए आवश्यक तापमान है इकसठ डिग्री सेल्सियस पौधे में एक जैमी था रोग किस तत्व की कमी से होता है तांबे की कमी से गोदामों में बीज रखने से पूर्व अधिकतम कितने तापमान तक सुखाया जाता है ये सुखाया जाता है तैंतालीस डिग्री सेल्सियस भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ उन्नीस में कृषि वस्तु की मांग होती है लोचहीन खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भूदान आंदोलन के प्रणेता थे राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है वाराणसी में एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय स्थित है नागपुर में स्टॉक फार्मिंग संबंधित है पशु प्रजनन से केंद्रीय बागवानी संस्थान स्थित है नागालैंड में भारत में औसतन कृषि जोत का आकार है एक पॉइंट पंद्रह हेक्टेयर भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान सत्रह पॉइंट पाँच प्रतिशत अगर फ्रेंड आगे कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो मैं कमेंट में बता दूंगा कि उसका आंसर अब क्या हो गया है इसलिए अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो भी अपडेटेड है अगर आगे आने वाले समय में देखेंगे तो भी ये अपडेटेड ही रहेगी क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन चेंज होता है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा इसलिए कमेंट जरूर देख लेना भारत में कुल रोजगार में कृषि का योगदान 48.9 प्रतिशत राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है तेईस दिसंबर को कृषि वर्ष की अवधि है जुलाई से जून भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को विश्व में सर्वाधिक हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादक है बेल्जियम में विश्व खाद्य दिवस का मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मृदा के बिना जल माध्यम में कृषि कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स हिप्टोसोल क्या है पीठ तथा दलदली मिट्टी अम्लीय तथा अक्सारी मिट्टी के सुधार हेतु प्रयुक्त होता है चूना तथा जिप्सम किसान की मौत कहलाती है मृदा प्रदन भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक मृदा पाई जाती है ये पाई जाती है जलोड एक हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है दो पॉइंट चार सात एकड़ दलहनी फसलों के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता तो यह है राजमा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ उन्नीस में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था 2002 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम कब और किसने प्रयोग किया था वाल्टर जी ने कब छियासी में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में है? चेन्नई में रेड डाटा बुक क्या है विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है ये निकाली जाती है आई यू सी एन यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसका मुख्यालय कहां पे है स्विट्जरलैंड में रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था 1966 में और यह संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति को पिंक कलर में दर्शाती है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक में जैव विविधता दशक घोषित किया गया तो ये किया गया था 2011 से 2020। रामसर संधि किससे संबंधित है आर्द संरक्षण व संवर्धन से संबंधित हैं विश्व आदर दिवस कब मनाया जाता है दो फरवरी को विश्व जल दिवस मनाया जाता है बाईस मार्च को और विश्व पृथ्वी दिवस बाईस अप्रैल को और विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस बाईस मई को बात करें पर्यावरण दिवस की ये मनाया जाता है पाँच जून को देखो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पाँच जून को लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है छब्बीस नवंबर को ओजोन दिवस सोलह सितंबर को और क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार आ चुका है इसको ध्यान रखना विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है आठ मई को भारत में कितने प्रतिशत जैव विविधता है यह है सात से आठ प्रतिशत राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है पोर्ट ब्लेयर में अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस उनतीस जुलाई को मनाया जाता है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था अर्नेस्ट हैकेल ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया एजी टांसले ने बायोसोफियर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया ये किया एडवर्ड ने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ 1973 में भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है नई दिल्ली में भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिम कार्बेट और ये है उत्तराखंड में कब बना 1921 में राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है कर्नाटक में नागरहुल राष्ट्रीय पार्क जो कि है कर्नाटक में अब इसका नया नाम क्या है राजीव गांधी नेशनल पार्क केरल में स्थित पेरियर अभ्यारण्य किसलिए प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई देखो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों और पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना और इसकी शुरुआत हुई थी उन्नीस में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया कहाँ पे स्थित है तो ये हिमाचल प्रदेश में भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये है लोकटक झील जो कि पड़ती है मणिपुर में नंदा देवी जय मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है उत्तराखंड में शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है हिमाचल प्रदेश में भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई उन्नीस में जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहा स्थित है यह है गुजरात में कहा कि लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण है इसकी स्थापना कब हुई उन्नीस में एक सिंह वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम में गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया मध्य प्रदेश में शोकपुर जिला रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है राजस्थान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण है मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्रकृति निवास है तो ये है राजस्थान भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र प्लोटिंग नेशनल पार्क है तो फ्रेंड ये है मणिपुर में स्थित केबुल लजमाऊ नेशनल पार्क विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है ये है द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है समताप मंडल में ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पूछ लेता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो आंसर आ गया सीधा समताप मंडल में वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हरेला पर्व किससे संबंधित है पौधारोपण से फूड चैन मानव में है प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता दोनों क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण करती हैं दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है इकोटोन कौन सा वृक्ष परिस्थिति की आतंकवादी माना जाता है यह है यूके को कौन सा परिस्थिति की तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो है, है तो ये है महासागरीय परिस्थिति की तंत्र कौन सा परिस्थिति का तंत्र सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति की तंत्र है तो ये है महासागरीय परिस्थिति की तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को परिस्थिति के जनक किसको माना जाता है तो ये माना जाता है अर्नेस्ट को परिस्थिति की तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया यह किया था एजी परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन का परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा किसके द्वारा दिया गया यह दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कौन से बनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यह पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा बनों में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है केरल को सिलक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है लेक्टोमीटर से फलों के मीठे होने का मुख्य कारण क्या है उसमें मौजूद फ्रेक्टोज देश के प्रथम केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई उन्नीस में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है देहरादून में फलों का अध्ययन क्या कहलाता है एंथ्रोलॉजी नारियल का वास्तविक नाम क्या है कोकस न्यूसीफेरा पौधे में वृद्धि के लिए कितनी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है ये होती है सोलह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है तो ये अपनाई जाती है फसल चक्र पद्धति बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं टिश्यू कल्चर हल्दी किससे प्राप्त होती है पौधे के तने से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो ये पाया जाता सोयाबीन में कितना छियालीस प्रतिशत प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई तो ये हुई थी उन्नीस में कहाँ पे पांडिचेरी में भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है लखनऊ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है यह नई दिल्ली में अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है नासिक को द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट क्षेत्र में नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया सेव का उद्देश्य से क्या है टाइगरों का संरक्षण करना भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है ये है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि है आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है तो ये प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है द ग्रेट बैरियर रीफ टोप स्लीप के नाम से राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती करीब पचास साल बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है कर्नाटक में मानस वन्यजीव अभ्यारण असम में है पैरियर वन्यजीव अभ्यारण केरल में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है सलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है भारत की प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है बंदरघटा में जो कि है बेंगलुरु में पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में स्थित है तो यह पेच बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है यह एक सिंह वाले गैंडे के लिए, लिए। गर्म पानी अभ्यारण किस राज्य में स्थित है असम में नाम दफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है यह अरुणाचल प्रदेश में बात करें बुक्सा बाग परियोजना ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है भरतपुर पक्षी विहार ये राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है टाइगर रिजर्व मिजोरम में है संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है हरी के आदर भूमि ये है पंजाब में कांगेर घाटी ये छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बागों के लिए प्रसिद्ध है ये मध्य प्रदेश में है शहडोल जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं ये हैं पचास वर्तमान में भारत में वायस्फेयर रिजर्व की संख्या कितनी है अठारह वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं तो ये हैं छत्तीस वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं एक सौ तीन और हाथी रिजर्वों की संख्या बत्तीस है वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट हैं छब्बीस भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई ये की गई 1905 में बिहार के पूसा में पीली क्रांति का संबंध किससे है तिलहन से लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है सर्वप्रथम कपास का शंकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है यह है भारत भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है पंजाब को सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ पे हुई ये हुई पेरू में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है ये है काली रजत क्रांति किस से संबंधित है अंडा उत्पादन से भूरी क्रांति किससे संबंधित है उर्वक उत्पादन से किसान का मित्र तथा प्राकृति का हवाला किसे कहा जाता है केंचवे को आलू एक प्रकार का तना है सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है गेहूं में क्रोमासोम की संख्या होती है विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है इक्कीस मार्च को सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है भारत। अनाज की रानी कहा जाता है मक्का को सबसे पुराना फल है खजूर चिनार वन्य जीव अभ्यारण केरल में है वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहा जाता है कच्छ की खाड़ी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गैंडे के लिए जाना जाता है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कई बार पूछा जाता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है राजस्थान में रंथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड को सलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है राजा जी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है एशियाई हाथियों के लिए पूर्वी एवं पश्चिम घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जंगली गदा अभ्यारण्य है गुजरात में भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया यह है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित किया गया 1936 में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है हेली राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया पालपुर कोनो जो कि है मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन कहाँ पर स्थित है ये है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भारत का सर्वाधिक मैग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है सुंदरवन जो कि है पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा की मैग्रोव वनों को क्या कहा जाता है सुंदर वन सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है मैग्रोव वनस्पति नदी क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है हेलो पौधे का कौन सा भाग सत्सन करता है पौधे की पत्तियां केला और नारियल कैसे फल हैं बीज पत्री सिन कोना पौधे के तने की छाल से प्राप्त की जाती है कुनेन बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है हवा नमी और उपयुक्त तापमान यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं फफूंद। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी फल विज्ञान के अध्ययन को प्रोमोलॉजी पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर सब्जी विज्ञान को ओलेरिकल्चर आंख का वह भाग जिसके वर्णाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंख का रंग निश्चित करता है उसे कहते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है, है नाइट्रोसोमोनास बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन उपयोगी है पतंगा एंजोला नील हरित सेवाल एवं अल्फा किस रूप में प्रयोग होते हैं जैव उर्वरक में कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देखता है गिरगिट कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे आश्रय स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं पशुपालन वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं जनानकी एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु तो कौन सी गैस प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं रासायनिक ऊर्जा में वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है उसके वार्षिक वल्यों की संख्या पर हमारी जीव का स्वाद जो खट्टे का ज्ञान कराती है वह जीव के किस भाग पर पाई जाती है पार्श्व भाग पर मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है मटर की फसल मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है सैरीबरल भारत में किस संविधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज सिस्टम प्रस्तुत किया गया संविधान संशोधन उन्नीस मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत कैसे कब स्कूल स्तर पर कम भार वाले बच्चों की प्रतिशतता का मूल्यांकन निर्धारित किया जाना चाहिए अर्धवार्षिक वर्ष अठारह में किस फॉरेस्ट कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया ने शिफ्टिंग कलिवेशन बंद करने के विरुद्ध एक याचिका भेजी किस तत्व की कमी से पौधे की कम वृद्धि एवं धुंधली हरी या पीली पत्तियां पड़ जाती हैं आंसर आएगा सल्फर पौधे की पत्तियों को सफेद करने हेतु जिम्मेदार है हरिमाहीनता जिसको कहते हैं क्लोरोसिस कपास के पौधे का वनस्पति नाम क्या है गैसीपियम हर्बेसियस अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है रोम में जो कि है इटली में भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया 2005 में कौन सी फसलें रोपण फसल के रूप में निरूपित की जाती हैं आंसर आएगा चाय कॉफी नारियल रबड़ डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना निधि हेतु प्रारंभिक निधि कितनी निर्धारित की गई है आठ करोड़ नीली क्रांति किसे संबंधित है मत्स्य उत्पादन से पशु बोर्ड हल का औसतन भार कितना होता है बारा केजी। कौन सा राज्य किसानों के लिए वेदर स्टेशन वाला प्रथम राज्य बन गया ये है महाराष्ट्र पशुधन के पालन चराने की विधि जैसे पशु अथवा भेड़ के मांस या ऊन हेतु किस नाम से पुकारी जाती है रेंचिंग भारत में परिचालन भूमि क्षेत्र की अधिकतम संख्या है जो किस प्रकार की जोत है सीमांत जोते किस संस्थान में हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की प्रजाति विकसित की गई पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में गन्ना फसले किस प्रकार की फसल उगाने के उदाहरण है रेटून भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है उत्तराखंड में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में पायलट स्कीम पाद फसलों के उत्पादन की उपज नुकसान के जुड़वा जोखिम से सुरक्षा हेतु जांच की है जिसमें के अंतर्गत शब्द का अर्थ है रेवेन्यू भारत में जूट की खेती का सघन डेल्टा किस नदी का है गंगा का मूंगफली की खेती में किस खेती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए राइजोबियम इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित बागवानी का श्रेष्ठ अवार्ड किस राज्य ने जीता हरियाणा ने किस हरी खाद फसल में जन की सबसे अधिक मात्रा होती है ढेंचा अमोनिया सल्फेट यूरिया अमोनिया नाइट्रेट और सुपरफास्फेट इनमें से कौन सा एक जन युक्त उर्वरक नहीं है यह है सुपर फास्टफेट सौराष्ट्र नर्मदा इनोवेशन योजना को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया आंसर आएगा गुजरात एशिया का पहला चावल तकनीकी पार्क कहाँ पे है कर्नाटक में फसल चक्कर किस में मदद करता है फसलों की उपज बढ़ाने में कौन सी कमेटी वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुना कर देगी अशोक दलवाई कमेटी कौन सा रसायन माइटस दीमक के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है किस में अनिशेक फलन घटित होता है कटहल में खाद्यान्न फसलों में वनस्पतिक वृद्धि अवस्था में फूलों का आना बंद हो जाना क्या पुकारा जाता है डिटर्मिनेट ग्रोथ नाबार्ड की स्थापना कब की गई ये की गई 12 जुलाई उन्नीस में राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन की स्थापना हुई उन्नीस में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू हुई उन्नीस में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई उन्नीस सौ में, में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई उन्नीस सौ में, में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ 2005 में फसल लॉगिंग विधि है फसल उत्पादन के लिए पोषण तत्वों की आवश्यक जानकारी के लिए पौधा विश्लेषण एंटी सोस है नवीन जलोड़ मिट्टी गेहूं सिंचाई के लिए अति क्रांति अवस्था है ताज निकालने की चाय बगानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है अमलीय कृषि क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण देता है भूमि विकास बैंक देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन है बीस आम की बीज रहित प्रजाति जाती है सिंधु सीमांत किसान कहलाता है जिसके पास जोत भूमि होती है एक हेक्टेयर से कम कृषि औजार तथा तो मशीनों का शोध तथा तो विकास कार्य के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है यह है भोपाल में महादान का विकास किया ये किया जी एम खुश ने विश्व में सब्जी के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है द्वितीय नील हरित सेवाल एजोला अल्फा अल्फा आदि जैव उर्वरक किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है तो यह धान की नैफेड का संबंध है कृषि विपण से मृदा में सर्वाधिक अमल छोड़ने वाला उर्वरक है अमोनियम सल्फेट अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाया गया ये लगाया गया चिकमंगूर में जो कि है कर्नाटक में तंबाकू कृषि के तहत बेहतम क्षेत्र स्थित है आंध्र प्रदेश कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सर्वाधिकरण प्रदान करता है वाणिज्यिक बैंक हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई उन्नीस में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन ये हुआ था जनवरी 2004 में नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है ये किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट का घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है किंग कोबरा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया डी ब्रिज ने मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है यह है करण पल्लव पेशिया प्याज की खेती कैसे की जाती है ये की जाती है पौध प्रतिरापण करके जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है इफेड्रन औषधि का उपयोग किस रोग में किया जाता है अस्थमा चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है ये करता है नील हरित सेवाल कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्कर के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है ये करता रेशम वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है ग्लूकोज का अवश्य एक व्यस्त मनुष्य के जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं तो प्रत्येक जबड़े में पाए जाते हैं सोलह दांत मानव का वैज्ञानिक नाम होमोस्पीज मेंढक का वैज्ञानिक नाम राणा ट्रंगीना कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलीज गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका आम का वैज्ञानिक नाम मंगीफेरा इंडिकस भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है तीसरा अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है नासिक लौटता हुआ मानसून किस नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्व मानसून मार्च अप्रैल में होने वाली बेमौसम वर्षा मालाबार तट और तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है आराम वृष्टि स्वच्छ जलीय मछलियों के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है पश्चिम बंगाल किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक नहीं है काली मिट्टी में धान की तीन किस्में ओस अमन और बोरा कहाँ पाई जाती है पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है अम्लीय मिट्टी में नवीन जलोड़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं खादर मिट्टी भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है तो यह है मिजोरम में विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है छठा भारत में कितने प्रतिशत जोते एक हेक्टेयर या उससे छोटी हैं तो यह है उनसठ प्रतिशत ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं पश्चिम बंगाल में लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है कोरोमंडल में जो कि है तमिलनाडु में भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है जयपुर में भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ 2004 में दूध के उत्पादन में भारत है पहले पे ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया था भारत में भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो ये किया गया आर एल ई जी पी भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई उन्नीस सौ छियासी में मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है और कब ये पहुंचता एक जून को केरल में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है नागपुर में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है काली मिट्टी मानसून किस भाषा का शब्द है तो ये अरबी भाषा का भैंस के दूध में सात प्रतिशत, तो प्रतिशत। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है प्रथम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना उन्नीस में हुई थी भारत के समतल स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है तो ये है चौबीस प्रतिशत में सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है बागवानी व शहद उत्पादन से भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है तो ये लगा हुआ है चौसठ प्रतिशत भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है तो ये की जाती है पंद्रह प्रतिशत भाग पर नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है तो ये उगाई जाती है कॉफी भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय जलवायु भारत में किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की स्तुति की गई थी तो ये की गई थी राज्य समिति द्वारा भारत में जोतों का कार घटने का मुख्य कारण क्या है उत्तर अधिकारी का नियम भूस्वामित्व का ललक भारत में सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ पे होता है मध्य प्रदेश में भारत में किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड की योजना आरंभ की गई ये की गई उन्नीस में धान की फसल किस तरह की फसल मानी जाती है उष्ण कटिबंधीय फसल किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं तो आंसर आएगा चाय किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते, है? जाते हैं ये पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी में किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी में पीली क्रांति किससे संबंधित है तिलहन से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गिली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है तो ये होती है मिट्टी भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है सौ प्रतिशत भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का सूत्रधार किसे माना जाता है वर्गिस कुरियन को भारत में किस उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था ये चलाया गया था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए विश्व के किस देश में उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है तो ये होता है चीन में भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी है मैक्सिकन गेहूं मक्का की खेती किस मौसम में होती है खरीफ के मौसम में शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा किससे होती है पश्चिमी विक्षोभ से ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है लाल मिट्टी का भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर खेती होती है तो ये होती इक्यावन प्रतिशत पर कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई उन्नीस में चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी फल उत्पादन में भारत है दूसरे स्थान पे बंगाल में मार्च अप्रैल में बेमौसम वर्षा क्या कहलाती है काल वैसाखी भारत में किस वर्ष गहन किसी जिला कार्यालय प्रारंभ किया गया उन्नीस सौ में किस मिट्टी का निर्माण वे सल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है तो यह होता है काली मिट्टी भारत में आयोग कहा स्थित है, है? नई दिल्ली में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था खादान उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ यह हुआ 1970 में किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है तो आंसर आएगा पंजाब भारत में किस फसल पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेहूं और चावल पर सरकार द्वारा कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई तो ये की गई चार प्रतिशत मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं मृदा विज्ञान रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है महाराष्ट्र में भैंसो की जन्म कहा जाता है भारत को भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती अपनाने वाला राज्य सिक्किम है भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितने प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया किया जाता जाता है है तो जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं बांगर मिट्टी सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं गुजरात में भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिचित खेती की जाती है आंसर आएगा दक्कन का पठार शक्कर लाल गुरु समिति का संबंध किसी विपण से है भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है तमिलनाडु उर्वरकों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तीसरा सब्जी उत्पादन में दूसरा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है किस बंदर का मुंह और पूंछ शेर की तरह होते हैं मकाक विश्व की अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दूसरा रेसे वाली फसलें कौन सी होती हैं कपास और जूट किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है लेटेराइट में मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं मनार की खाड़ी में भारत में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत हिस्सा नेहरू द्वारा सिंचित है छत्तीस प्रतिशत भारत में एच कार्यक्रम को कहा जाता है नव वर्ष कृषि नीति अथवा हरित क्रांति हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया विलियम कोड ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में शुरू हुआ राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे सोमपाल भारत के किस राज्य में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत है आंसर है नागालैंड किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है गन्ना लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है काली मिट्टी का लिटेराइड मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं मुखरेला मिट्टी धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है दोमट मिट्टी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है लो ऑक्साइड के कारण भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात कहाँ से होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई उन्नीस में राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या था कुआ व नलकूप झूम क्या है उत्तर पूर्व में कृषि का एक तरीका भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है ये होती है काली मिट्टी में वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है 15.4 चार प्रतिशत हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई तो ये आई दलहन और मोटा अनाज की गाय के दूध में वसा होती चार प्रतिशत कौन सी फसल की खेती को उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है यह चाय हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक है यह है काली मिट्टी भारत के पशुओं में सबसे पहले कृत्रिम गर्भधान कहाँ और कब किया गया ये किया इज्जत नगर बरेली में कब में इंद्रिय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है हैदराबाद में भारत में तप्त और शुष्क जलवायु व अल्प उपजाऊ मृदा की भौगोलिक परिस्थितियों में किस फसल की खेती की जाती है ये की जाती है मिलेट की शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल मूंगफली मूंगफली में दाने का भार औसतन कितना होता है सत्तर प्रतिशत कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है महाराष्ट्र कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ उन्नीस सौ सतासठ में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा होती है अस्सी प्रतिशत भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है तो ये विलो नाम की लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं और ये लकड़ी शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होते हैं उपयुक्त में संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है तैतीस प्रतिशत चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किस जिले में आरंभ हुआ चमोली नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में है उत्तराखंड में भारत का प्रथम तितली उद्यान ये बंदर घटा जैविक उद्यान है जो कि है बेंगलोर में मंजूली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में है असम में और कौन सी नदी पे ब्रह्मपुत्र पे मोन घाटी केरल में है दाची गांव किसके लिए प्रसिद्ध है सबसे पहले ये तो है जम्मू कश्मीर में ये है कश्मीरी महामृग के लिए भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई दो में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है तो यह है चीन पहला पृथ्वी सम्मेलन पे हुआ था? रियो डी जनेरियो में। में। कब में। इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है पांच प्रतिशत कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी आंसर आएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब उन्नीस में कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं एक तो होगी कार्बन डाई मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड जुगली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं तो ये करते हैं मीथेन को ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी ये दी जोसेफ फोरियर ने कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है तो ये है हिमाचल प्रदेश क्याटो प्रोटोकॉल क्या है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है अंटार्कटिक के ऊपर ईपीए का पूर्ण रूप क्या है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया यह किया गया ओस्लो में मेधा पाटेकर कौन है नर्मदा बचाव आंदोलन से संबंधित कौन है मेधा पाटेकर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में ग्रीन पीस क्या है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है 16 सितंबर को यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं डब्लू एम एडम्स हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया विश्व बैंक के द्वारा राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है देहरादून में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था मेथेनाइल आइसोसाइनाइट परिस्थिति की विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है बेंगलुरु में सलीम अली कौन है एक विख्यात पक्षी विज्ञानी भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है एक जुलाई से सात जुलाई तक जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था मुंशी ने किस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया तो यह दिया गया उन्नीस वाले सम्मेलन को ग्रीन मफलर किससे संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है इंदिरा गांधी नहर जो कि है राजस्थान में भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ उन्नीस में भारत में पर्यावरण संरक्षण नियम हुआ उन्नीस में लागू भारत में जैविक विविधता अधिनियम हुआ लागू 2002 में मीठे पानी की कलपसर परियोजना कहाँ स्थित है ये है खम्बात की खाड़ी में जो कि है गुजरात में भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई 1966 में कब 1 जुलाई 1966 में जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जल का मृदीकरण समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है आसवन से प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है वर्षा का पानी अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर नदी भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन सा है आर्सेनिक संसार में स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है आंसर सत्तर प्रतिशत धूम कोरा का क्या कारण है वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव अमल वर्षा क्या है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो वर्षा होती है उसे कहते हैं अमल वर्षा भारत में फसल बीमा योजना कब लागू हुई एक अप्रैल उन्नीस को फलों का राजा कहते हैं आम को फलों की रानी लीची है गरीबों का मेवा बेर है दलहनों का राजा चना है दलहनों की रानी मटर है गुलाबी क्रांति का संबंध है मछली के पालन से। भारतीय गन्ना शोध संस्थान है कोयम्बटूर में भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं उत्तर प्रदेश को धान की डालियां किस राज्य को कहते हैं छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है कृषि और ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन टाइप होंगे इसलिए आप साथ, साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर देते रहें और मेरे वाले आंसर से मिलाकर वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए क्वेश्चन नंबर एक है सस्य ज्ञान किसकी एक विशेष का है तो इसका आंसर आएगा कृषि आंसर ए देखो सस्य ज्ञान इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं एग्रोनॉमी अब इस एग्रोनॉमी को समझो जो ये शब्द है ना एग्रोनोमी ये लिया गया है ग्रीक भाषा से और ग्रीक भाषा में भी दो शब्द हैं एक तो हो गया एग्रोस और दूसरा हो गया नोमोस इन दो शब्दों से क्या बना एग्रोनोमी वो कैसे बना मैं बताता हूं आपको एग्रोस एग्रोस मीन क्या होता है खेत ठीक है नोमोस नोमोस मीने प्रबंध और इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बन गया एग्रोनोमोस और इसका मतलब हो गया खेत का प्रबंध ठीक है और इसी शब्द से क्या बन गया एग्रोनोमी तो एग्रोनोमी का मतलब क्या हो गया खेत का प्रबंध आगे आपको समझ में चलिए फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो एग्रोनोमी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है तो अभी मैंने बताया था कौन सी भाषा से लिया गया है ग्रीक आंसर बी क्वेश्चन नंबर तीन है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई तो ये कब हुई थी 1908 में आंसर सी अब इसको समझो देखो 1908 में तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी और 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी बात करें 1900 1900 में क्या हुआ था जो एग्रोनॉमी है ना ये एक अलग सब्जेक्ट बन गया था ठीक है? 1900 में बना एक अलग सब्जेक्ट और 1955 में क्या हुआ इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई और 1908 में हुई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना क्वेश्चन नंबर चार है भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई तो ये कब हुई थी 1955 में आंसर सी क्वेश्चन नंबर पांच है पौधे के उस समूह को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है तो इसका आंसर क्या आएगा फसल आंसर ए क्वेश्चन नंबर छः है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है तो इसका आंसर आएगा चालीस प्रतिशत आंसर बी वैसे ये कितने प्रतिशत पाया जाता है चालीस से पैंतालीस प्रतिशत ठीक है क्वेश्चन नंबर सात है एच सेवन 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 कौन सी फसल की किस्म है तो ये कौन सी की है कपास की आंसर सी क्वेश्चन नंबर आठ है प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ तो ये कब हुआ था 1901 में आंसर डी क्वेश्चन नंबर नौ है विश्व में केले के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है तो इसका आंसर क्या आएगा भारत आंसर ए देखो केले के उत्पादन में पहले नंबर पे हो गया भारत तो दूसरे नंबर पे कौन है चीन और तीसरे पे फिलीपींस ये तो बात होगी देशों की अब बात करें राज्य की तो राज्य में केले उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है वो है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है गुजरात बात करें केले के साइंटिफिक नेम की तो उसका क्या नाम है मूसा पैराडीसीका मूसा पैराडीसीका ठीक है क्वेश्चन नंबर दस है हल्दी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है तो ये कौन सा है आंध्र प्रदेश आंसर डी इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो हल्दी उत्पादन में प्रथम हो गया आंध्र प्रदेश और इसके अलावा मिर्च में भी प्रथम कौन है आंध्र प्रदेश और हरियाणा का प्रमुख मसाला कौन सा है वो भी क्या है हल्दी और एक क्वेश्चन ये भी आता है हरियाणा में हल्दी कहाँ पर सबसे अधिक होती है तो वो कहाँ पर होती है अंबाला में अब बात करते हैं कश्मीर की कश्मीर किस मसाले के उत्पादन में प्रथम है ये है केसर की किसके केसर की और राजस्थान किस मसाले के उत्पादन में प्रथम है ये है जीरा धनिया और मेथी ठीक है इतना आ गया समझ में एक दो चीजें और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे लौंग लौंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है तमिलनाडु में ठीक है और लहसुन होता है मध्य प्रदेश में और इसके अलावा काली मिर्च और छोटी इलायची ये कहां पे होती है केरल में बस इतना काफी है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह फलों का राजा किसे कहते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा आम आंसर सी और फलो की रानी किसे कहते हैं लीची को और हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है ये भी क्या है आम और हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है ये भी क्या है आम ठीक है और इसके अलावा सबसे अधिक आम कहाँ पे होते हैं ये भी कहाँ पे होते हैं भारत में और बात करें राज्यों में राज्यों के हिसाब से होते हैं उत्तर प्रदेश में और एग्जाम में आम का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं तो आम का साइंटिफिक नेम क्या है मैजीफेरा इंडिका और आम की भी कुछ प्रजातियां हैं जैसे अमरपाली होगी मलिका होगी एक कहते हैं ना लंगड़ा आम और एक होता दशहरी आम ठीक है एक होता नीलम और एक आम और होता जिसमें गुठली नहीं होती उस आम का क्या नाम है सिंधु आम इसमें गुठली नहीं पाई जाती यानी होता है बीज रहित क्वेश्चन नंबर बारह है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा एपीकल्चर आंसर डी और हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं फलों की खेती या फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर और पीसी कल्चर कहते हैं मत्स्य उत्पादन ठीक है और बात करें सेरिकल्चर की रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं सैरिकल्चर एक बार फिर देखिए मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं एपिकल्चर को और हॉर्टिकल्चर कहते हैं फलों की खेती या फलों के उत्पादन को और पीसीकल्चर कहते हैं मत्स्य उत्पादन को और सैरिकल्चर कहते हैं रेशम उत्पादन को क्वेश्चन नंबर तेरह है जो फसलें दो वर्ष से अधिक समय लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा बहुवर्षीय फसलें आंसर ए और जो फसलें दो वर्ष लेती हैं उन्हें कहते हैं द्विवर्षीय है। और जो फसलें एक वर्ष या इससे कम का समय लेती हैं वो उसे कहते हैं एक वर्षीय फसलें क्वेश्चन नंबर चौदह हैं जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं वो होती हैं खरीफ की फसलें आंसर बी जैसे हो गया धान मक्का कपास मूंगफली, तमाकू और क्या हो गया जवार हो गया जैसे ये सभी फसलें कौन सी हैं खरीफ की फसलें अब बात करते हैं रवे की फसलें ये होगी जैसे गेहूँ जौ चना मटर सरसों ठीक है और ये फसलें कब बोई जाती हैं ये बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर में कब अक्टूबर नवंबर में अब कौन सी रहेगी जायद की फसलें ये फसलें बो जाती हैं अधिक गर्मी में इन फसलों के एग्जांपल हो गए जैसे ककड़ी होगी खरबूजा हो गया तरबूज हो गया ठीक है ये सभी फसलें कौन सी हैं जायद की फसलें तो हमारा क्वेश्चन नंबर पंद्रह है। भारत के मसाले का बगीचा किसे कहते हैं तो इसका आंसर आएगा केरल को आंसर डी क्वेश्चन नंबर सोलह है इक्कीसवीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं तो इसका आंसर आएगा नीम को आंसर डी देखो जो बेर है इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं गरीबों का सेब इसके अलावा इसे कहते हैं शुष्क फलों का राजा अब बात करते हैं अफीम की इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं हरा सोना क्या हरा सोना और मशरूम को कहते हैं शाकाहारी लोगों का मांस या फिर कह देते हैं शाकाहारी मांस क्वेश्चन नंबर सत्रह है नीली क्रांति किससे संबंधित है तो इसका आंसर क्या आएगा मछली उत्पादन से आंसर ए और श्वेत क्रांति किसे कहते हैं दुग्ध उत्पादन को और हरित क्रांति कहते हैं फसलों में वृद्धि या फिर इन दो फसलों की पैदावार में वृद्धि को क्या कहा गया था हरित क्रांति क्वेश्चन नंबर अठारह है कैल्शियम की कमी के लक्षण का असर सबसे पहले किस भाग पर दिखता है तो ये कहाँ पे दिखता है ये दिखता पत्तों पे आंसर बी क्वेश्चन नंबर उन्नीस है जो खाद पौधों और पशुओं के गोबर से बनाई जाती है उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं कंपोस्ट खाद आंसर सी क्वेश्चन नंबर बीस है हरियाणा में सबसे अधिक किस फूल का उत्पादन होता है तो इसका आंसर आया आंसर डी और रजनीगंधा पे सबसे अधिक होता है ये होता है फरीदाबाद में और हाँ फ्रेंड अभी अभी हमारी संपूर्ण हरियाणा जी के पैंसठ सौ प्लस क्वेश्चन की एक वीडियो आई है जो की दस घंटे से ज्यादा की अगर आपने अभी तक भी वो नहीं देखी है तो आपको राइट साइड में आई बटन दिख रहा होगा इस पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं और हाँ फ्रेंड अगर आप उसकी पी चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है डिटेल में भी है ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है ठीक है पहले आपको कौन सा पढ़ना है डिटेल में फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिविजन हो जाएगा और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिविजन भी कर पाओगे फ्रेंड अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ओके फ्रेंड अब मिल तक नए वीडियो के साथ तब तक ले जय हिंद बंदे मातरम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स इनके पी फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर अस्सी पाँच सौ नब्बे इक्यासी पाँच सौ आठ पर मैसेज कर सकते हैं हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई है इनकी पीडीफल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए कोशिश जरूर करें और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो यार क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं ओके okay, फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तो तक तो तो जय हिंद बंदे मातरम और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की जिसमें पिछले बीस महीने का हरियाणा करंट अफेयर है डिटेल में भी है ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है ठीक है पहले आपको कौन सा पढ़ना है डिटेल में फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर इससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिविजन भी कर पाओगे फ्रेंड अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ओके फ्रेंड अब मिलते नए वीडियो के साथ तब तक ले जय हिंद बंदे मातरम